नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। झारखंड का ये इलाका बदलाव की ऐसी ही दास्तां बयां कर रहा है। सरायकेला जिले का चांडिल बांध क्षेत्र, कभी इस इलाके की पहचान विस्थापन से थी, यानी गरीबी, बेकारी और लाचारी, जबकि आज ये क्षेत्र कामयाबी और खुशहाली के लिए जाना जाता है। आज यहाँ विस्थापितों का नहीं, मत्स्य मित्रों का बसेरा है। परिवर्तन के इस दौर की शुरुआत साल 2007 में हुई, जब पशुपालन एवं मत्स्य विभाग ने चांडिल डैम से हुए 116 गांव के विस्थापितों को मछली पालन से जोड़ना शुरू किया। अब ये विस्थापित मत्स्य मित्र कहे जाने लगे। साल 2007-08 में मत्स्य निदेशालय की योजना के तहत चांडिल बांध विस्थापित मत्स्य सहकारिता समिति बनाई गई, जिसमें विस्थापितों को जोड़कर विभाग की ओर से उन्हें उन्नत तकनीक से मत्स्य उत्पादन की ट्रेनिंग दी गई। चांडिल डैम में मत्स्य पालन के लिए केज कल्चर विकसित कर दिया गया, जिसने पूरे हिंदुस्तान में केज कल्चर में एक मिसाल कायम की। केज कल्चर पिंजरे के जैसी बनी हुई एक व्यवस्था है, यह पानी के ऊपर ठहरा हुआ रहता है। जल सतह में केज के फ्रेम की मदद से जाल को बांधा जाता है। यह जाल पानी के अंदर रहता है, जहां मछलियां आसानी से विचरण करते हुए पल बढ़ सकती हैं। एक केज में 4-5 टन से लेकर 60-70 टन तक मछलियां पाली जा रही हैं। सरकार की योजना से जुड़कर मत्स्य मित्र इस कदर आत्मनिर्भर हो गए हैं कि केजिंग के अलावा वे अपने घर पर भी हैचिंग पुल बनाकर व्यक्तिगत स्तर पर मछली पालन कर रहे हैं, साथ ही सामूहिक तौर पर भी गांव के तालाब में मछली पालन में लगे हैं। विभाग के सहयोग और चांडिल डैम के विस्थापितों के लगातार प्रयास से केज में मछली के उत्पादन में झारखंड पूरे देश में अलग पहचान बना चुका है। आज दूसरे राज्यों से अनेक माननीय मंत्री, पदाधिकारी और किसान यहाँ के केज कल्चर को देखने एवं सीखने आ रहे हैं। यहाँ तक कि मछली उत्पादन में खास स्थान रखने वाले आंध्र प्रदेश से हाल ही में अलग हुआ तेलंगाना के वित्त मंत्री और कृषि मंत्री भी झारखंड के इस मॉडल को देखने चांडिल पहुँचे थे। योजना की कामयाबी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि चांडिल डैम की मछलियों को पहले बाजार तक पहुंचाया जाता था, लेकिन आज बाजार चांडिल डैम पहुंच रहा है। मत्स्य निदेशालय की योजना से जुड़ने के बाद चांडिल डैम के विस्थापितों की जिंदगी पूरी तरह बदल गई है। तब मुफलिसी ने मत्स्य मित्रों को हालात के आगे आवाज उठाने पर मजबूर कर दिया था। कल तक जहां ये विस्थापन नीति के विरोध में आंदोलन करते थे, इनेज 33 को जाम करते थे, नौकरी की मांग को लेकर सरकार से लड़ रहे थे, वहीं आज मत्स्य निदेशालय की योजना से जुड़कर इनके रहन सहन स्थिति में काफी बदलाव आया है और ये विभाग का गुणगान कर रहे हैं। पहले मेरा डिमुडी गांव था, अभी मैं पुनर्वास होने के बाद अभी पुनर्वास सिस्टम में मैं आए हैं और 2006 से हम मत्स्य मित्र बने और उसी समय से ही तालाब वगैरह में मछली पालन शुरू कर रहे थे। 2007-08 से यहाँ पर NABDP के तरफ से मछली फिंगरलिंग के यहाँ पर छोड़ा गया। यहाँ के चांडिल डैम के लोग पहले काम के लिए भटक रहा था कि यहाँ जाओ वहाँ जाओ, खाना क्या खाएंगे। अभी यहाँ पर जब से NABDP के तरफ से यहाँ पर मत्स्य विभाग के तरफ से जब यहाँ पर मछली का स्टॉकिंग हुआ है, तब से यहाँ पर लोग 1-2 किलो डेली मछली मार रहा है और लोगों का जीवन स्तर ऊंचा हो रहा है। यहाँ पर बच्चा को सरकारी स्कूल में पढ़ा रहा था, अभी लोग प्राइवेट स्कूल में बच्चा को पढ़ा रहा है मत्स्य मित्रों लोग। पहले जहाँ काम की तलाश में उन्हें दूर दूर भटकना पड़ता था, वहीं अब ये रोजगार देकर औरों को राह दिखा रहे हैं।